हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू ऑर डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश से यूनिट 6 इफ आई वर एन एप्पल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग है, यदि मैं एक सेब होता, अगर मैं एक सेब होता तो क्या होता। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई शुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय, आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय। इस पोयम में एक बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं एक सेब होता तो क्या होता, मैं पेड़ पर बड़ा होता तो क्या होता, मैं पेड़ के ऊपर बड़ा होता। अगर मैं एक सेब होता और पेड़ के ऊपर बड़ा होता, मैं सोचता हूँ मैं नीचे गिर जाता। क्यों गिर जाता? किसी एक अच्छे से लड़के के ऊपर जो कि मेरी तरह होता, लाइक मी मतलब मेरे जैसा होता, नाइस बॉय होता, मेरे जैसा अच्छा बॉय होता। अपने आप की तारीफ करते हुए ये बच्चा कहता है कि मैं जो अच्छा सा बच्चा होता उसके ऊपर गिर जाता, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है वहाँ रहना, क्योंकि वहाँ रहने से किसी को खुशी नहीं मिलती। तो मैं अचानक से पेड़ के ऊपर तुरंत, पेड़ से तुरंत नीचे गिर जाता और उस बच्चे को कहता, ईट मी माई बॉय, मेरे बॉय मुझे खा लो। यहाँ पर दिए हैं कुछ न्यू वर्ड्स, उनको देख लेते हैं। एप्पल, बॉय, ईट, ड्रॉप, जॉय। एप्पल क्या होता है? एप्पल होता है सेब, ए राउंड रेड कलर्ड फ्रूट, गोल गोल होता है रेड कलर का फ्रूट। अगला है बॉय, बॉय तो आप जानते ही हैं लड़का, ए मेल चाइल्ड। नेक्स्ट क्या है? ईट, ईट मीन्स होता है टेक इन फूड यानी खाना। नेक्स्ट है ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स होता है टू लेट समथिंग फॉल, कुछ चीज़ का नीचे गिर जाना। जॉय, जॉय क्या होता है? खुशी, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। लेट्स रीड, आइए इसको पढ़ते हैं। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय। मुझे आम सेब खाना पसंद है, एक सेब खाना पसंद है, और हम जब खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ से ताली बजाते हैं। Reading is fun. Here are some question answers. Where is the apple? Apple कहाँ है? आपको बताना है apple कहाँ है। The apple is on a tree. Apple कहाँ है? पेड़ के ऊपर है। Next है, where is the boy? Boy कहाँ है? तो boy, boy कहाँ पर है? यहाँ पर तो जो picture बनी है इसमें तो पेड़ के ऊपर है, है ना। तो ये आपको खुद से सोचना है कि ये बच्चा कहाँ पर है, ये बॉय जो है यहाँ भी है। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि बॉय इज़ ऑन द ट्री, और अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं, तब बॉय इज़ नियर द ट्री, या और ये ऐसे भी कह सकते हैं, द बॉय इज़ प्रोबेबली सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। बच्चा जो है पेड़ के नीचे भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है और बैठा भी हो सकता है। ये आप को अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, आपको बताना है कि आपने कौन सी पिक्चर को देख करके आंसर लिखा है। नेक्स्ट है, हाउ कैन द बॉय गेट एन एप्पल, तो बॉय को जो है एप्पल कैसे मिला होगा। द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री, बच्चे को एक तो इस तरह से भी एप्पल मिल सकता है कि अगर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया है तो ये पेड़ से अपने आप से तोड़ सकता है, और अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो हो सकता है जो एप्पल है वो अपने आप से नीचे गिर गया हो और बॉय को मिल गया हो। नेक्स्ट है, लेट्स टॉक, तो आइए बात करते हैं। डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल्स पसंद हैं? यस आई लाइक एप्पल्स, अगर आपको पसंद है तो आप यस लिखेंगे और नहीं है तो आप उसको नो लिख देंगे। नेक्स्ट है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप कभी किसी फ्रूट के पेड़ पर चढ़े हैं? वैसे जो विलेज में बॉयज़ रह होते हैं वो तो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि विलेज में जो फ्रूट्स के काफ़ी सारे ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि
बनाना ट्री भी होता है, बनाना ट्री के ऊपर तो चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, गुआवा ट्रीज़ भी होते हैं और मैंगो ट्रीज़ भी होते हैं, तो इस तरह से वहाँ जो बच्चे होते हैं वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ किसी की हेल्प से ही चढ़ते हैं क्योंकि छोटे होते हैं, इतने ऊँचे पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो किसी की हेल्प से चढ़ते हैं। अगर आप चढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि आप किसी पेड़ पर चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं। लेट्स शेयर, फिल इन द ब्लैंक्स। If I were a bird, I would, अगर bird होती तो bird क्या करती है, fly करती है, तो आप इसमें fly fill कर देंगे, इसमें कैसे लिख देंगे, fly। If I were a bee, I would buzz, अगर आप मधुमक्खी होते तो आप क्या करते, आप buzzing sound करते। Next is say aloud, आपको ज़ोर से बोलना है, आप मेरे साथ बोलेंगे apple, drew, dew, ball, people, grew, few, call, ripple, through, mew, fall। लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं करना है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये rhyming words भी हैं। अब दोबारा से इसको पढ़ेंगे, apple, people, ripple, drew, grew, through, dew, few, mew, ball, call, fall। ओके, ये rhyming words हैं। नेक्स्ट देखेंगे वर्ड फन, फिल इन द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्ड, यूज द पिक्चर्स एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट्स। आपके पास यहाँ पर क्लू दिए हैं, फ्रूट्स की पिक्चर्स बनी हैं और आपको उसको देख करके फटाफट से फिल कर देना है। तो फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर बनी है वो है ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, आप इसको प्रॉपर लिख देंगे। नेक्स्ट ये क्या बना है, ये बना है नंबर टू पे, क्या बना है, ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। अब नंबर थ्री पे क्या बना है, नंबर थ्री पे बना है मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। नेक्स्ट नंबर फोर पे क्या बना है, नंबर फोर पे बना है बनाना, बी ए एन ए एन ए, बनाना। और नंबर फाइव पे क्या बना है, नंबर फाइव पे बना है एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल। सिक्स नंबर पे पियर बनी है, पी ई ए आर, पियर, पियर कहते हैं नाशपाती को। नेक्स्ट इज विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट, फर्स्ट इन योर ऑन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो आपको ये बताना है कि आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो कौन सा है, आप उसे क्यों पसंद करते हैं, पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और बाद में उसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये आपको अपने आप से लिखना है कि आपका फेवरेट फ्रूट, यानी जो आपको फ्रूट, ऐसा फ्रूट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और वो आपको क्यों पसंद है, इसके बारे में आपको लिखना है। पहले आपकी जो भी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप लिखेंगे, बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने यहाँ पर बनाना के बारे में बताया है, आप उसको नोट कर सकते हैं। बनाना इज़ माय फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, आई लव इट्स येलो कलर, माई मदर सेज दैट ईटिंग बनाना एंड मिल्क विल मेक मी स्ट्रॉन्ग। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।